नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं सिरसातेज.com। हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट, आम बजट जारी किया है, जिसमें किसानों के लिए काफ़ी कुछ नया है। 131% वृद्धि की गई है और बजट पे रिएक्शन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा में मुख्यमंत्री के पूर्व OSD रहे डॉक्टर KV सिंह। हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे बजट पे काफ़ी कुछ दिया है किसानों के लिए, एक जैसे क्योंकि चुनाव भी है अभी 2019 में, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का ये? बिल्कुल कुछ नहीं है किसानों के लिए, ख़ास तौर पे मजदूरों के लिए। एक निराशा भरा बजट है, सिर्फ आंकड़ेबाजी है और कुछ नहीं है। मैं छोटे 2 या 3 उदाहरण दे के आपको इसको साबित करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से इनका खुद का आर्थिक सर्वे ये कहता है कि पिछले 3 या 4 साल के इनके राज में जो कृषि उत्पादन है 16% घटा है। जब 16% घटा है तो इसका मतलब किसान की आमदनी घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम इसके जो खरीफ की फसल जो समर्थन मूल्य जो है हमने 1.5 गुना कर दिया है। तो 1.5 गुना अगर कर दिया है आपने तो हमें एक चीज़ की बात कही है, और दूसरी बात ये कहते हैं कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी। ये दो चीज़ रखी है इन्होंने। तो पहले तो ये बताएं कि पिछले 4 सालों में किसानों की कितनी आमदनी हुई और किस आमदनी को आप बेसिक मानकर आप 1.5 गुना या 2 गुना करोगे। कहीं ना कहीं जो महंगाई आंकते हैं तो जो आपकी कीमतें हैं उनको हिसाब से आधार बनाकर, किसी न किसी बेसिक को आधार बनाकर हम कीमतों के आधार पर तय करते हैं। किस आधार पे आज के दिन किसानों को पिछले 4 सालों में कितनी आमदनी और उस आमदनी का कौन सा नज़रिया है, वो आंकड़े हमारे सामने पेश करें। कहीं आंकड़े इस तरह के कोई पेश नहीं किए गए। दूसरा, उन्हीं की बात मान लेता हूँ कि ये सरकार कहती है कि 1 एकड़ गेहूँ में पैदा करने में 1256 रुपये खर्च होते हैं। ये इनका आंकलन है, जबकि खर्चा ज़्यादा होता है। मैं एक मिनट के लिए उनके जो आंकड़े हैं उसको भी मान लेते हैं। तो 1256, अब ये कह रहे हैं हमने 1.5 गुना आय करें, तो 1256 का 1.5 गुना करें तो 1900 रुपये क्विंटल बनता है, और जबकि दे रहे हैं 1750, तो 250 तो यहीं घाटा दे दिया हमें। फिर दुगने की बात करते हैं, जब आज के मौजूदा दिन में आप खुद कह रहे हैं 1256 और दे रहे हो 1750, तो मिलना चाहिए 1900, तो बिल्कुल ये झूठ है, सरासर है। दूसरा, मनरेगा पे कहीं भी कोई बजट में वृद्धि नहीं की। जब मनरेगा में बजट में वृद्धि नहीं है तो ग्रामीण विकास रुकेगा और भी जो किसान, भूमिहीन किसान हैं उनको रोज़गार भी नहीं मिलेगा। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल, ये आंकड़े और जुमलेबाजी है, सिर्फ चुनाव को मद्देनज़र रखकर किसान को खुश करने की, झूठा खुश करने की बात है। वाकई में इसमें कोई किसान और मजदूर के भले के लिए कोई पैसा इन्होंने मंजूर नहीं किया। दूसरा, अगर एक और इसी बजट पर बात करें तो ये कहते हैं कि 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना हम देंगे। आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अखबार उठा के देखें, बजट में कहीं भी इस चीज़ के लिए 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा का कहीं बजट में प्रावधान ही नहीं है। 10 करोड़ लोग होंगे, 5 लाख का बीमा होगा, प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। प्रीमियम कौन भरेगा? सरकार भरेगी, तभी फ्री होगा। तो कहीं बजट में प्रावधान ही नहीं, कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया, तो बगैर पैसे कैसे कोई फैसला हो सकता है, कैसे नीति लागू हो सकती है? तो मेरे ख्याल में ये भी जुमलेबाजी है, लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है। वैसे ये बजट बिल्कुल निराश, खास तौर पे किसान और मजदूर के लिए निराशा भरा बजट। जी, लगातार ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर KV सिंह जी। हमारे साथ अब लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।